गुड इवनिंग बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, अपचयन को रिडक्शन एंड रेडॉक्स अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया ही कहते हैं। तो नंबर वन हम पढ़ेंगे उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मेन लाइन याद रखिएगा, ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो रही है या हाइड्रोजन की कमी। तो देखिए उदाहरण से समझिए, यहाँ पर कॉपर की किसके साथ रिएक्शन हुई है, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिला है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जब कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो हमें मिला कॉपर ऑक्साइड, यानी कि पहले कॉपर क्या था, अकेला था, कॉपर हमारा यहाँ पे क्या था, अकेला था, बाद में कॉपर के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है किसमें, कॉपर में, इसीलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे कॉपर का उपचयन हुआ है। नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है उपचयन अपचयन, इसीलिए ज्यादा बेटर रहेगा कि आप हिंदी में याद ना करके इंग्लिश में याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या बोला, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो पहले कॉपर अकेला था, रिएक्शन के बाद कॉपर के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन, यानी कि कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या है, कार्बन, और कार्बन की किसके साथ रिएक्शन हुई है, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हमारा कार्बन क्या था, अकेला, रिएक्शन के बाद कार्बन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इसीलिए हम कहेंगे कि कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन। तो हमने ऑक्सीजन की वृद्धि के तो एग्जांपल देख लिए, आइए एक एग्जांपल हम देखते हैं जहां पे हाइड्रोजन की कमी हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, जिसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, ब्रोमीन के साथ हो रही है, किसके साथ हो रही है, ब्रोमीन के साथ। तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड की ब्रोमीन के साथ क्रिया हो रही है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है, HBr बन रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे सल्फर क्या हो गया, अकेला पड़ गया। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड की ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया होगी तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलेगा और सल्फर हमारा क्या पड़ जाएगा, अकेला, यानी कि पहले ब्रोमीन क्या था, अकेला था, ठीक है, अब हाइड्रोजन कहाँ आ गया, ब्रोमीन के साथ आ गया, लेकिन हमारे सल्फर के साथ क्या हुई है, यहाँ पे जाती हुई है, क्योंकि सल्फर में हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी, पहले सल्फर के साथ क्या था, हाइड्रोजन, अब बेचारा हमारा सल्फर अकेला हो गया, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे सल्फर का उपचयन हुआ है, क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन की कमी हुई है। उल्टा ऑक्सीजन की वृद्धि जब होगी या हाइड्रोजन की कमी होगी तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा अपचयन यानी कि रिडक्शन। देखिए वहां पे अंतर किसका है, केवल ऊ और ओ का, तो उसमें हमें पढ़ने में हम क्या कर देते हैं, कई बार उल्टा काम कर देते हैं, बच्चों की कॉपी मैंने बहुत बार देखी है, बच्चे क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, इसीलिए क्या रहेगा बेटर कि आप इंग्लिश में याद करिए। तो रिडक्शन वे अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी कि जो हमारा रिडक्शन है वो ऑक्सीडेशन का क्या है, उल्टा है, वहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी, बट रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, रिडक्शन अभिक्रिया। आइए एग्जांपल देखते हैं हम, N2 यानी नाइट्रोजन की जब हमने किसके साथ अभिक्रिया करी है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करी है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, अमोनिया 2NH3। ठीक है, जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हुई है तो हमारा क्या बन गया, अमोनिया, पहले नाइट्रोजन क्या था, अकेला था, अब नाइट्रोजन के साथ क्या मिल गया, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, अमोनिया।
तो यहाँ पे नाइट्रोजन में किसकी वृद्धि हो गई? हाइड्रोजन की। और हम यही कह रहे हैं जब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, जब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रिडक्शन अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया हुई है। किसकी? जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया बन हुई है। तो यहाँ पर क्या बना है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए बच्चों याद रखिएगा ये फॉर्मूला, कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है पेपर में या कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं तो वहां पर पूछ दिया जाता है सीओ का नाम। तो सीओ का नाम क्या है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, क्या है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो देखिए जब जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया हुई तो ऑक्सीजन उठ के किसके साथ आ गया? कार्बन के साथ। और जिंक बेचारा क्या हो गया यहाँ पे? अकेला रह गया। जिंक के साथ क्या हो गई? जाती हो गई, क्योंकि कार्बन ने जिंक का ऑक्सीजन ले लिया तो जिंक बेचारा कैसा हो गया? अकेला हो गया। यानी जिंक में क्या हुई? ऑक्सीजन की कमी। तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे, यानी रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की किसके साथ अभिक्रिया हुई है? हाइड्रोजन के साथ। कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया होगी तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे कॉपर मिलेगा और हमें जल के अणु मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ क्या था? ऑक्सीजन था। अब बेचारा रिएक्शन के बाद कॉपर क्या हो गया? अकेला। फिर ऑक्सीजन ने कॉपर का क्या कर दिया? साथ छोड़ दिया और कॉपर को अकेला कर दिया। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ? कॉपर के साथ ऑक्सीजन की कमी हुई, यानी कि कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ? अपचयन यानी कि रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो हमने पढ़ा कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उस अभिक्रिया को हम रिडक्शन अभिक्रिया कहेंगे। तो पेपर में दो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लिखाए हैं। तीनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, चाहे आप हाइड्रोजन की वृद्धि वाला लिखें या ऑक्सीजन की कमी वाला लिखें, तो वो आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे रेडॉक्स अभिक्रिया में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे जाके। रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एंड अपचयन दोनों होता है उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वो अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने पढ़ा एक कि जहां पे केवल ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक पढ़ा हमने जहां पे केवल रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जिस अभिक्रिया में दोनों चीजें एक साथ होती हैं उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि हमने पहले भी एक आध एग्जाम्पल ऐसे देखे जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा था, बट हमने वहां पे रेडॉक्स अभिक्रिया की बात नहीं करी। लेकिन जहां पे दोनों होगा हम वहां पे क्या बात करेंगे? अगर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो आप ध्यान देंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा कि कॉपर ऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन हुई है? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो कॉपर बेचारा अकेला हो गया और हाइड्रोजन ने क्या किया? बड़ी चालाकी के साथ कॉपर के ऑक्सीजन को ले लिया और खुद क्या बन गया? H2O। यानी कि यहाँ पे कॉपर में क्या हुई? ऑक्सीजन की कमी, और हाइड्रोजन में क्या हुई? ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपचयन। और ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन। यानी कि इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब दूसरा एग्जाम्पल जो हमने पहले भी पढ़ा कि जिंक ऑक्साइड की किसके साथ रिएक्शन हुई? कार्बन के साथ। तो फिर कार्बन ने यहाँ पे क्या करी? चालाकी दिखाई और जिंक से उसका ऑक्सीजन छीन लिया
और खुद क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक को क्या कर दिया, अकेला छोड़ दिया। तो यहाँ पर जिंक में क्या हुई, ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन की कमी यानी कि अपचयन यानी कि रिडक्शन, और कार्बन में क्या हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, उपचयन। तो उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। तो यानी कि इस रिएक्शन में हमारा अपचयन और उपचयन दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।